अली हसन, कहाँ से हैं आप? मैं फिलहाल तो घर से हूँ। इसी पे गाता हूँ मैं। सब जो देखने वाले हैं इनका चैनल सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छे हैं। अभी हमें यहाँ पे मिले हैं अटलांटा में, तो लाइक करें, लाइक सब्सक्राइब और बेल का आइकन। सलामों ने उन्हें खेली जी। दोस्तों, तो आज हम जॉर्जिया के एक शहर नॉर्थक्रॉस आए हुए हैं पान खाने के लिए। तो चलते हैं अंदर, पान भी खाते हैं और अंकल से बातचीत भी करते हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है अली हसानी। अली हसानी, कहाँ से हैं आप? मैं फिलहाल तो घर से हूँ। घर से है आप? पश्तो नहीं आती? पश्तो नहीं आती, उसमें खाली गाना आता है। जानन भी एक अच्छा गाना। ये आप पकड़ कर जो है, ये माइक है मेरा। माइक है मेरा? मेरा माइक है। आप नहीं लगाए, बस ऐसे हाथ में पकड़ा। हाथ में पकड़ा। हाँ। जी जी सर, आप अपना, आपका नाम सर आप बता दें। दोबारा नाम बताओ जी, दोबारा बताएं तो ताकि क्लियर आवाज आ जाए। नाम है अब्दुल अली हसानी। अब्दुल अली हसानी नाम, लास्ट नेम आसानी है लेकिन मुश्किल में रहता हूँ। अच्छा, मुश्किल। कहाँ से हैं आप बेसिकली? मेरा असल जन्म मेरा जो है वो बंदर अब्बास का। बंदर अब्बास का, ईरान। 3-3.5 साल के बाद में चले गए मस्कत ओमान। अच्छा अच्छा। वहाँ से शारजा गए, वहीं पढ़ा बड़ा। अच्छा अच्छा। 11 साल शारजा में रहा। सही। फिर मैं अमेरिका में आया हूँ 1978। सही सही। पैदा हुए थे? नहीं, 78 में नहीं हुआ, सॉरी, मेरा जल्दी आ गया। तो ये बिजनेस कब से स्टार्ट किया? 4 साल हुए लेकिन ग्लोबल मॉल में मेरे 15 साल से बिजनेस है। अच्छा, तो वहाँ से क्यों शिफ्ट हुए यहाँ पे? वहाँ से हुआ कि मेरे को पिछले साल निमोनिया हो गया। अच्छा। मैं था हॉस्पिटल में 3 महीने के लिए। हाँ हाँ। तो वहाँ पर जो है ना सारे काम उलट पलट हो गए। बच्चे अपने अपने कामों पे जाते थे। सही। एम्प्लॉय सही मिलने वाला नहीं था। सही। यहाँ पर एक जगह ऐसी थी जहाँ मैं सुकून से काम कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ग्लोबल वार्मिंग, हर मिनट में कस्टमर, बिजनेस अच्छा था। सही। लेकिन हैंडल नहीं होता था मेरे से। अच्छा अच्छा। वो भी इसी हवाले से था? हाँ जी। मतलब ये पान वगैरह? पान का ही था, इसकी कैबिन थी मेरी खाली पान। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो हर में तो मेरा बचपन का शौक भी है और मैं ये करता हूँ, मेरा म्यूजिक स्कूल अंदर है। अच्छा। और छोटे मोटे शोज करता हूँ। सही, जबरदस्त। तो आपके पास फिर बाकायदा आना पड़ेगा स्पेशली किसी दिन। बिल्कुल। आपका अंदर आप दिखा सकते हैं? या ले जा रहा हूँ, आइए मैं आपको जगह दिखाता हूँ। जगह माशाल्लाह बड़ी है, ये देखें, ये मेरा है म्यूजिक का। वाह अरे वाह। ये आपके हमसाये भी जो है वो भी म्यूजिक के बहुत शौकीन लगते हैं, दिलबहार कैफे वाले। दिलबहार कैफे, वो अच्छे सीनियर आर्टिस्ट हैं वो। अच्छा अच्छा। क्योंकि ज़्यादातर वो बाजा पे भी गाते हैं। हाँ हाँ। लाइव में, लेकिन ज़्यादातर वो कैराओके पे गाते हैं। अच्छा अच्छा। तो कैराओके पे गाना और लाइव में तबले के साथ, या इवन इसके अंदर भी मेरा जो है ना ये कीबोर्ड जो है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। कीबोर्ड के अंदर भी जो है ना भाई, इसी पे गाता हूँ मैं। नहीं तो यहाँ पे कोई आता है आपसे सीखने? सीखने भी आते हैं और फिर महीने में एक आध बार हम अपनी महफिल रखते हैं। मेरे ग्रुप के 130 मेंबर्स हैं। अच्छा। $50 महीने का, उसमें यहाँ पर आएंगे, जब आएंगे ना तो अभी नेक्स्ट मंथ से वो चेंजेस कर रहा हूँ उधर मैं। अच्छा अच्छा। यहाँ पर पूल, यहाँ पर टेबल लगेंगे। सही। कैरम बोर्ड में अभी एक हम प्रोग्राम कर रहे हैं 14 जून को। अच्छा अच्छा। लोकल रेस्टोरेंट है हमारे, पहले हमारे अफगानी साहब थे उनका था। सही। उन्होंने बेच दिया, अभी वो पाकिस्तान से है, उनका नाम है जौक। अच्छा अच्छा। जौक ये प्लेजेंट हिल पे ही, यहाँ से 4 माइल पे है। सही। एड्रेस भी मैं बोल देता हूँ आपको ताकि याद रहे, 1500 प्लेजेंट हिल ड्राइव। सही। और ये डुडुत का है। अच्छा, वहाँ पर हमने एक प्रोग्राम रखा है दोस्तों के लिए, $15 में एपेटाइजर जैसे समोसे हैं, चाय है, ड्रिंक है, सब मिलेगा। वो 3 घंटे का प्रोग्राम बैठ के देखेंगे। अच्छा, ज़बरदस्त। और बाकी रहेगा जिसको खाने का करना है, वो होटल वाले की भलाई के लिए उससे खाने से ऑर्डर रखे, अपने टेबल पर के खाओ। सही सही। बड़ी जगह है कोई, इसमें 100-150 आदमी आ सकते। ठीक ठीक ठीक। क्या नाम बेटा? मेरा नाम असगर खान है। अकबर खान? असगर। असगर खान। असगर खान जी जी। और मैं हूँ क्वेटा से। माशाल्लाह। क्वेटा में हम आए थे जब मैं था कोई 10-12 साल। अच्छा अच्छा। सक्खर में गए थे? अच्छा। सक्खर में गए थे, वहाँ पर रहे हमारे भाई के साथ, फिर क्वेटा गए थे वहाँ से। अच्छा 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 अच्छा। तो क्वेटा कैसा लगा आपको? अरे भाई, उन्होंने जो 2 तरबूज रखे थे झील में, हम उठाने गए तो हाथ भी नहीं लगा, ठंडे थे भाई। मतलब अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। चले चले, बस इंशाल्लाह जिंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। तो बाहर निकलते ही हमें ये कुछ जवान मिले हैं जो कि रात के 12 बजे क्रिकेट खेल रहे हैं।
तो चलते हैं इनसे भी कुछ बात करते हैं। जी भैया क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? क्या नाम है सर आपका? अशर नाम है। अशर, और आप? अमार। अमार, अमार। तो कहाँ से है आपका ताल्लुक? बेसिकली ताल्लुक इस्लामाबाद से। अच्छा। और यहाँ यूएस में 4 साल हो गए, तो अभी हम अटलांटा में रहते हैं, मिड टाउन के पास। तो आप स्टूडेंट थे? जी स्टूडेंट है, रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं, सो वी जस्ट लाइक वर्किंग नाउ। कौन से फील्ड में की है आपने? आईटी मैनेजमेंट। और आप में? सेम, मैं इसका जूनियर हूँ, तो मैंने इसने बाद में स्टार्ट की, मैंने पहले स्टार्ट की। अच्छा अच्छा, तो कैसा लगा, मतलब यूएस का लाइफस्टाइल कैसा है? आप बताना चाहोगे पहले? यूएस का लाइफस्टाइल माशाल्लाह बहुत अच्छा है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों है इसमें। इसमें ये है कि आपको बेसिकली जो मेहनत करता है तो उसको वो पूरा फल मिलता है यहाँ पे, अनलाइक पाकिस्तान। यू नो, आप वहाँ पे बहुत मेहनती लोग हैं, लेकिन उनको बस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जस्ट कि वो इधर आए। अगर आपके पास मौका है आने का, तो ऑफकोर्स आपने यूटिलाइज करें इस ऑप्शन को, और इट्स गुड हियर। सही। यस। आप क्या कहते हैं? ब्रिटेन में चगरी करूँगा उसके साथ, ऐसा ही है, प्रोज एंड कॉन्स। ऑफकोर्स आप आते हो, फैमिली से दूर रहते हो, वो माहौल, वो सहूलियात इन टर्म्स ऑफ फैमिली फ्रेंड्स, वो ऑफ कोर्स आपको नहीं होती, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इट्स अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ के सेंस में। आप काम करना चाहो, अगर मेहनत करो, तो आपको लाइक ही सेड कि आपको उसका हल उसका फल मिलता है ज़रूर। अच्छा, तो उस टर्म्स में डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ के सेंस में येस, लेकिन प्रोज एंड कॉन्स लाइक सेड, पाकिस्तानी कल्चर, अपने पाकिस्तानी फैमिली फ्रेंड आप मिस करते हो तो डेफिनेटली। चले, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। थैंक यू सो मच। चलिए, आप सब जो देखने वाले हैं इनका चैनल सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छे हैं। अभी हमें यहाँ पे मिले हैं अटलांटा में, तो लाइक करें, लाइक सब्सक्राइब और बेल का आइकन। थैंक यू। आपके दोस्त के बारे में आप लोगों ने नहीं बताया, ये भाई भी शाय है थोड़े से मेरे ख्याल में से अंदर का। क्या आप भी स्टूडेंट हैं इनकी तरह या? वेल, मैंने पीएचडी की है, मैं भी पोस्ट डॉक कर रहा हूँ जॉर्जिया टेक में। सही। सो ये मेरे रूममेट्स हैं। अच्छा अच्छा, तो ये किसी मजाक कर रहे हैं मेरे ख्याल में से। नहीं, किसी मिशन पे आए हुए हैं। नहीं नहीं, वही बस मतलब कभी कभी खेल लेते हैं इधर और आते हैं दिलवा। आपको हो गया यहां पे? वेल, जॉर्जिया में हो गए ऑलमोस्ट मोर देन 2 इयर्स। अच्छा। और इससे पहले मैं टेक्सास में था 5 साल, वहाँ से पीएचडी की है एंड देन हियर पोस्ट डॉक। चंडीगढ़ के पास से हूँ, इंडिया से। चंडीगढ़? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे वैसे नहीं लगता कि कोई बंदा इंडिया से है या पाकिस्तान से। हाँ जी, हाँ जी, सेम ही लगता है। वो उर्दू भी तकरीबन मुझे सेम ही लगती है। हाँ, सेम ही लैंग्वेज है, बिकॉज मूवीज में मतलब सेम ही रहती है, उर्दू और कुछ ऐसे लव्स होते हैं जो मतलब दोनों लैंग्वेज में सेम होते हैं। हां जी, बस सेम ही होता है। तो सो नाइस ऑफ यू पंकज, यू आर मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह फिर मुलाकात हो। बिल्कुल, थैंक यू। यू आर वेलकम। थैंक यू जी नाज़रीन। तो ये रहा बस हमारा आर्ट का वीडियो लॉग, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह जिंदगी रही, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो लॉग में। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, खुदाई पामान।